के साथ बढ़िया फोटोशूट देख लिया आपने। मरीन ड्राइव पर खचाखच भरी सड़क पर चैंपियंस वाली बस में अपने चैंपियंस को भी देख लिया। वानखेड़े में वर्ल्ड कप का शानदार जश्न भी देख लिया। अब आओ जरा आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूं। नमस्कार। तो टीम इंडिया ने फिर से एक बार रच दिया इतिहास। वर्ल्ड क्रिकेट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इंडिया के दो ओपनरों ने फिर से रच दिया एक बार इतिहास और 1-3 से जिम्बाब्वे को दिया लीड। जो शुरू में जिम्बाब्वे एक मैच जीत के काफी मजबूत टीम देखी गई इस टूर्नामेंट में। तो चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं इस पूरी मैच की कहानी। तो इंडिया ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और ओपनिंग आए दो जिम्बाब्वे के मशहूर बैट्समैन, जिसमें इंडिया के बॉलर का काफी अच्छा आज योगदान रहा। जिम्बाब्वे जैसी टीम को 152 रन पे रोक पाई 7 विकेट गिराकर, जिसमें खलील अहमद ने 2 विकेट गिराए। बिश्नोई आज कुछ कर पाए अपनी टीम के लिए। सुंदर भी 1 विकेट लिए और 1 विकेट निकाले शिवम दुबे, जो ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते हैं, और 1 विकेट अभिषेक शर्मा भी निकाले अपनी टीम के लिए, जो काफी अच्छा योगदान था। तो आज इंडिया के बॉलर का काफी अच्छा योगदान था इस मैच में। 152 का पीछा करने उतरी इंडियन टीम की शुरुआत काफी अच्छी थी, जो 1 भी विकेट गिराकर ना 156 रन को चेस किया 15 ओवर 2 गेंद में, जिसमें इस मैच को 10 विकेट से इंडिया ने जीता। और काफी अच्छा योगदान था यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल का। यशस्वी जायसवाल ने आज अपनी टीम के लिए बहुत शतक से 7 रन सिर्फ दूर रह गए, 93 रन बनाए 53 गेंद पर 4 चौका और 2 छक्का की मदद से, स्ट्राइक रेट से जो अपने शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए। और सुमन गिल नॉट आउट, 39 गेंद पे 58 की पारी खेली, 6 चौका और 2 छक्का की मदद से 58 रन बनाए 148 के स्ट्राइक रेट से। ये दो ओपनर बैटमैन 156 रन काफी आसानी से चेस कर लिया। और जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में पहला मैच जीतने के बाद काफी अच्छी टीम दिखाई दे रही थी, फिर इंडिया के बैट्समैनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और बॉलरों ने, और इस मैच को 10 विकेट से हासिल किया और इंडिया 1-3 लीड देते हुए नजर आई। अब देखिए आगे के मैच में क्या होता है। और क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।